सुकुन को जावा डिजाइन का सीन तो पता ही होगा। जावा डिजाइन के अंदर हम लोग हार्ड कैम को एज अ मोड यूज कर सकते हैं एंड उसको लगा के जब हम लोग गेंग अंदर जाते हैं देन हमको भी अगर डैमेज पड़ता है देन हमारी स्किन शेक नहीं होती है। तो हाँ, इस वाले वीडियो में तुमको तीन ऐसे सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ जिसको अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम माइंड का पॉकेट एडिशन के अंदर काफी इजिली हार्ड कैम को यूज कर सकते हो। बट इन तीन सिंपल स्टेप को फॉलो करने के लिए तुमको चाहिए होंगे ये तीन फाइलें। ये तीन फाइलों को कैसे तुमको डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करोगे, इनका क्या यूज है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें मैं तुमको वीडियो में आगे समझा दूंगा। फिलहाल के लिए बढ़ते अपने पहले वाले फाइल की तरफ जिसका नाम है जेड आर्चिवर एंड आई एम डैम श्योर कि तुम में से 90% लोग बस एक चीज होगी ही होगी। तो एक बंदे ने मेरे को कमेंट करा था कि भाई एपीके एडिटर का जो झमेला है वो हम लोगों को समझ में नहीं आता, वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इस वाले वीडियो में मैं तुमको जेड आर्चिवर की मदद से काफी इजी प्रोसेस बताने वाला हूँ एंड देख लो ये एक एप्लीकेशन है एपीके सैनर एंड ये जेड आर्चिवर है, तुमको ये दोनों एप्लीकेशन चाहिए ही चाहिए रहेगी। इस तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एपीके सैनर को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद तुम लोग देखोगे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक नो हार्ड कैम चला रखा है, बाकी मैं तुमको बताऊंगा कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एप्लीकेशन पर चले जाओ, सर्च पर चले जाओ एंड यहाँ पर तुमको सर्च कर लेना है माइनक्राफ्ट, ठीक है। माइनक्राफ्ट ही मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर कोई बंदा स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, जिस तरीके से मैंने टाइप करा है तुम वैसे ही टाइप कर लेना, ठीक है, वरना फिर हो सकता है तुम्हारे में ऐप शो ना करे। ओके सो वेल एज यू कैन सी यहाँ पे दो दो माइनक्राफ्ट आ चुके हैं, एक है माइनक्राफ्ट एंड एक है माइनक्राफ्ट पैच, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारे दो दो ऑप्शन है कि तुम माइनक्राफ्ट में हार्ड कैम लगाना चाहते हो या फिर माइनक्राफ्ट पैच में लगाना चाहते हो। फिलहाल मैं माइनक्राफ्ट पैच के अंदर लगाना चाहता हूँ तो मैं माइनक्राफ्ट पैच के ऊपर क्लिक करके कॉपी एपीके कर दूंगा। देन इसके बाद क्या होगा, हमारा फाइल खुल जाएगा, डाउनलोड का फोल्डर खुल चुका है। तुम लोग देखो रेडमी नोट 11 मेरा डिवाइस का नाम है, नीचे आऊँगा इधर है हमारा डाउनलोड का फोल्डर, इस पे हमारा ये वाला फाइल मैं कुछ सेव कर लेता हूँ। ये हमारा फाइल देखो परसेंटेज चल रहा है, डन हो गया, हमारा फाइल सेव हो चुका है। अब बस हमको बैक आ जाना है, अब हम लोगों को खोल लेनी है जेड आर्चिवर, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोग एक एक प्रोसेस को मिस मत करना। अब अगर किसी ने यहाँ पर से वीडियो को स्किप करा देन उसका फ़ोन भी क्रैश हो सकता है या फिर उसका माइनक्राफ्ट काम करना बंद कर सकता है। बट जो लोग मेरे को अच्छे तरीके से देख के फॉलो करने वाले हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेड आर्चिवर में डाउनलोड्स के फोल्डर में आ जाना, जहाँ पर देखो मैंने एक फोल्डर सेव किया था ना माइनक्राफ्ट पी पैच, ये वाला एपीके हमने निकाला था। अभी क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को हम दूसरे फोल्डर में ले आते हैं। तो फिर मैं डॉक्यूमेंट में लेकर आता हूँ एंड यहाँ पर देखो ये हमारी तीसरी फाइल है नो हार्ड कैम। मैंने तुमको तीन फाइल के बारे में इंट्रो में बताया था, इसमें मैं क्लिक करूँगा एंड एक्सट्रैक्ट टू डॉट आर्किव स्लैश अंडरस्कोर नेम पे क्लिक करके इसको कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा फाइल नो हार्ड कैम करके, बस मेरे को इस पर क्लिक करना है। अंदर जाऊँगा तो मेरे को यहाँ पर देखो तीन फाइलें मिल जाएंगी, ठीक है, एक दो तीन, ये तीन फाइलें हैं हमारे पास। अब हमको करना क्या है, इन तीनों फाइलों को ऐसे क्लिक करके अगर हमको लॉन्ग प्रेस करना है देन कॉपी पे क्लिक करना है देन बैक कर लेना है। तुम लोग देखो यहाँ पर से चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत ईजी प्रोसेस होने वाला है, अच्छे से देखना, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन मान का पी पैच हमको दिख रहा है इसे बस मेरे को क्लिक करना है। एप्लीकेशन ओपन हो गई, एसेट्स पर जाना है, फिर दोबारा एसेट्स पर चले जाना, फिर नीचे रिसोर्स पैक तुमको मिल जाएगा, रिसोर्स पर समझते हो ना जो तुम लोग मॉड लगाते हो वही चीज़। तो इस पर आने के बाद तुमको यहाँ मिलेगा वनीला, वनीला माइनक्राफ्ट, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज़ वनीला, इस पर आ जाना। फिर उसके बाद तुमको कैमरा मिल जाएगा, ठीक है, काफ़ी इजीली है। कैमरे पर आ जाओ, फिर उसको यहाँ पर से क्लिक करके कर देना, एडिंग फाइल आएगा। अब ये हमारा प्रोसेस हो रहा है, डन हो गया। पर यहाँ पर कुछ लोग के डिवाइस में आ सकता है कि डुप्लीकेट फाइल डिटेक्टेड, ठीक है, एंड अप्लाई टू ऑल फाइल पे क्लिक करना होगा तुमको उसके बाद, तो उसको फिर क्लिक करके रिप्लेस कर देना, ठीक है। अब बस मैं बैक आ जाता हूँ, कुछ इस तरीके से देखो हमारे माइनक्राफ्ट की एप्लीकेशन अब थोड़ी से मॉडिफाइड हो चुकी है। अभी अगर मैं इसको इंस्टॉल पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखो माइनक्राफ्ट पैच हमारा आ चुका है। फिलहाल देखो अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है क्योंकि मेरे पे माइनक्राफ्ट पैच जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है, इसीलिए मेरे पे वो अपडेट का ऑप्शन दिखा रहा है, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, दोबारा से इंस्टॉल करने का ट्राई करता हूँ एंड अपडेट करता हूँ। देखो पहले मेरे में हार्ड कैम लगा हुआ नहीं था बट अभी मैं हार्ड कैम लगा लिया हूँ, ठीक है। वो तीन फाइल अगर तुम माइनक्राफ्ट की मतलब एप्लीकेशन में कस्टमाइज करते हो ना तो तुम्हारा हार्ड कैम इनबिल्ट हो जाएगा। ओके देखो अब यहाँ पर आ चुका है ऐप नॉट इंस्टॉल्ड एज पैकेज अपीयर्स टू बी इनवैलिड, मतलब ये जो एरर कह रहा है कि तुमने जो एप्लीकेशन को मॉडिफाई करा है अब वो पैकेज इनवैलिड हो चुका है, अब वो वैलिड नहीं रहा, अब उसको हम लोग एज एन एपीके इंस्टॉल नहीं कर सकते। एंड यही पर आता है हमारे फर्स्ट वाले एप्लीकेशन का खेल जो कि तुम लोगों ने शुरुआती में देखा। अभी देखो एपीके साइनर, ये वाला एप्लीकेशन को याद होगा, इस एप्लीकेशन का काम ऐसा है कि तुमको इसके अंदर जाने के बाद, फिलहाल मैं आऊँगा साइन इन पर, ये देखो मैंने एक ऑलरेडी करके रखा है, मैं आऊँगा साइन ए फाइल के ऊपर। अब ये देखो हमारा फाइल खुल गया, अब बस मेरे को यहाँ से क्लिक करके रिमोट 11 पर क्लिक करना है। कुछ लोगों के फोन में ऐसे आ सकता है तो अपने घर से चेंज कर लेना, ठीक है। बाकी नीचे आऊँगा डॉक्यूमेंट्स में मैं क्लिक करूँगा, ये देखो हमारी ये वाला एप्लीकेशन है, ठीक है। अभी इसको हम लोगों ने कस्टमाइज करा था, इस फाइल में हमको दोबारा से क्लिक करना है मेरे को इसको। अब देखो हमारे पास एक और फाइल बनी हुई आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको घुमा के दिखाऊँ तो देखोगे इसके अंदर तुमको
एक चीज लिखे हुए देखने को मिलेगी, साइंड डॉट एपीके। अब हमको एक फोल्डर चूज करना होगा जहाँ पर हमको इसको लगना है। फिलहाल मैं इस फोल्डर को एज एक्सपेरिमेंट चूज कर लेता हूँ। इस पे जाने के बाद सेफ बस मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखो ये साइन इन चालू हो चुकी है। किसी के पास अगर बहुत ही अच्छा वाला फ़ोन है तो उसका शायद से 5 मिनट 2 मिनट लग सकता है। किसी के पास अगर थोड़ा सा कमज़ोर फ़ोन है तो उसको 20 मिनट 15 मिनट भी लग सकता है। तो यहाँ पर डिवाइस के हिसाब से डिपेंड करता है कि तुम पे जल्दी हो जाएगा या लेट हो जाएगा। बाकी मेरे फ़ोन के हिसाब से ये तो है भाई 15 से 20 मिनट। बाकी मैं 15-20 मिनट तुमको वेट करके टाइम को तुम्हारे ज़ाया नहीं करूँगा। अब बस तुमको यही करना होगा कि वेट करना होगा, जब ये साइन इन हो जाएगा ना तो तुमको बस इस पर क्लिक करना है। जैसे मैंने एक वॉलेट बना रखा है ना, अब ये हमारा खुल जाएगा फाइल्स, ठीक है। अब बस मेरे को माइंड में नोटेबल जाना है, फिर यहाँ पर से डॉक्यूमेंट्स, फिर यहाँ पर से मैंने एक जगह पर एक एपीके शो कर रखा है। मतलब इससे पहले मैंने जब ऑफ कैमरा बनाया था हट कैम को एंड उसको यूज़ कर रहा था तो उसको मैंने इस फोल्डर में यूज़ करा था। अभी मैंने तुमको इस फोल्डर में दिखाया ना, मैंने इसको पहले इस फोल्डर में यूज़ करा था। तो देखो मैंटा पैच बेटा हेड कैम लगा हुआ है, ठीक है। ये एप्लीकेशन मैं पहले बना चुका हूँ। अब बस मेरे को इस पर क्लिक करना है एंड इस टैगिंग एप्लीकेशन होने के बाद थोड़ी देर लोड ले लेगा। बस वो कंटिन्यू पे क्लिक करना है, देन अपडेट पर तुम इसे क्लिक करोगे ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। अब तुमको बस वेट करना है अनटिल ये एप्लीकेशन पूरी तरीके से इंस्टॉल ना हो जाए। ओके, सो एज यू कैन सी अभी देखो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुकी है। अब ये तो मेरे भी इंस्टॉल हो चुका है, अब मैं बस तुमको दिखा रहा हूँ। बाकी जिन पर नहीं हुआ होगा वो बस एप्लीकेशन पे लॉन्ग प्रेस करना, ऐप इन्फो पे चले जाना एंड अब यहाँ पर देखो ऐसा बटन दिखाई दे रहा है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करके तुमको ओके करना होगा। उसके बाद तुम्हारा ये वाला एप्लीकेशन जो है वो पूरी तरीके से अनइंस्टॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद तुमको दोबारा से अपने एप्लीकेशन पे चले जाना होगा, फिर इस पे क्लिक करके जिस तरीके से मैंने तुमको प्रोसेस बताया, ठीक है, इस पे जाना होगा। आई होप कि तुम समझ पा रहे होगे, ठीक है। चीज़ों को कॉम्प्लिकेट मत करो, बहुत ईजी प्रोसेस है, ठीक है। बस मैंने एक जगह पर फाइल को कॉपी करा, उधर पेस्ट करा, फिर उसको मैंने एप्लीकेशन में जाकर लोड पे कर दिया, फिर वो बार फुल होगा, मैं यहाँ पर आया एंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहा था। बस दैट्स इट, यही 3 स्टेप्स है। कोई भारी भरकम कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लोग इसको बोलते तो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एपीके रेंडर में जाके इधर उधर इधर उधर, नो ब्रो दिस इज नॉट ए कॉम्प्लिकेट प्रोसेस, ठीक है। बस उनको आप अपडेट पर क्लिक कर देना है, फिर इंस्टॉल कर सकते हो तुम, फिर उसके बाद तुम्हारे में माइंड का पैच आ जाएगा। सारे बंदे को मार नहीं पाते, बट अब क्या हो रहा है जब मैं आग पे जा रहा हूँ तो बस मेरा हैंड देखो ये बस खाली ऊपर नीचे हो रहा है। बाकी हम लोग का जो गेम है बिल्कुल ही देखो स्मूथली रन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सो बात अभी यही था इस वाले वीडियो का पूरा पूरा प्रोसेस एंड मैंने तुमको काफ़ी सिंपल एंड इजीएस्ट वे, जो इजीएस्ट वे पॉसिबल था मैंने उसको फाइंड करके तुमको बता दिया है कि तुम लोग हेड कैम को अपने फ़ोन के अंदर किस तरीके से चला सकते हो। बाय द वे जिन लोगों को अभी भी ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई तुमने करा क्या, तो भाई कृपया ध्यान से वीडियो को थोड़ा सा स्किप मत करना है, पीछे चले जाओ एंड पीछे के टाइम स्टैम्प में तुम यहाँ पर से वीडियो को अच्छी तरीके से समझो। मैंने तुमको जो जो बोला है उसको अच्छे तरीके से अपने मतलब दिमाग में बैठाओ एंड उसको अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करो। एंड अगर तुमको कोई प्रॉब्लम आती है ना तो डिस्कॉर्ड सर्वर में अपना मैसेज पुट इन कर देना ताकि मैं देख पाऊँ कि तुमको क्या प्रॉब्लम आ रही है। बाकी अगर मैं नहीं हेल्प कर सका तो भाई डिस्कॉर्ड पे हमारे काफ़ी सारे बंदे लोग हैं, तुम लोग उनसे बात करके भी अपनी प्रॉब्लम को फिक्स करवा सकते हो। एंड बाकी एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो यार, ऐसे ही चलता है ज़माना। एंड बाकी अगर तुम माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए बेस्ट पीपी मोड्स खोल रहे हो तो ये रही वीडियो एंड बाकी सब्सक्राइब दो कर ही दो भाई। बाकी मैं चला, गुड बाय।